state of mind, eyes blind. Hello friends, कैसे हैं? Good morning. सुबह हो गई है, अब मुझे उठना पड़ेगा और फिर स्टार्ट होता है आज का दिन. तो आज मैंने प्लान किया है कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी गेटिंग रेडी फॉर माय वर्क प्लेस और देखते हैं सुबह की भागम भाग. मुझे अभी जाना है हॉस्पिटल और उसके लिए मैं हो रही हूँ तैयार और ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है. जस्ट टू क्विकली शो व्हाट इज माय मेकअप रूटीन लाइक. सो दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल ऑफ ओले क्रीम, एक जो है सनस्क्रीन है ये जो आपको दिख रहा है स्किन कलर का, और साथ में थोड़ा सा शिशाइडो का ल्यूजन क्रीम है. इसको लिया और लगाया, यू नो नो फस, बहुत ज़्यादा लेरिंग वेरिंग का झमेला नहीं. ये किया, दैट इज इट फॉर द फेस राइट. इसको अच्छे से मिला दिया ताकि ऐसा ना हो जाए कि आधे में सनस्क्रीन दिखे आधे में नहीं. और ये देखिए थोड़ा सा हमेशा ऐसा ना वाइट वाइट चौकी सा मुझे ये फीलिंग देता है, तो इसको मैं क्या करती हूँ कि हल्का सा पोंछ लेती हूँ ताकि बहुत प्रोमिनेंटली नहीं दिखे. देखो लगाया तो मैंने थोड़ा सा ही था पर उसमें भी वो दिख रहा था. और हम क्या करेंगे, ये है बॉबी ब्राउन का आई शेडो, न्यूट्रल कलर्स और है सब लिया. यू नो आई लाइक इन्हेंसिंग माई कलर्स, सो आई बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा सा. सो ये लगा लिया एक न्यूट्रल सा शेड. और अब क्या करेंगे, जल्दी आओ जल्दी आओ. दो चार जो चीज़ें हैं वो भी नहीं मिलती हैं, है ना, कैसे होगा. उसके बाद हमने लिया ये दो प्रोडक्ट. तो एक तो है आई लाइनर लगाते हैं, है ना, उससे एक आईज आपकी जो है जग जाती हैं. इट गिव्स ब्राइट, लगने लग जाती हैं आँखें अगर आप आईलाइनर लगाते हैं ना, चाहे वो काजल हो चाहे कोई भी हो, किसी भी ब्रांड का हो, लिक्विड हो, जेल हो, जो भी हो, तो थोड़ी सी जगी भी लगती है आँखें आपकी. और दैट मैटर्स बिकॉज आप पॉजिटिव वाइब देते हो लोगों को. दूसरा मुझे अच्छा लगता है नीचे में एक नीले रंग का हल्का सा आई शेड नहीं, जो भी पेंसिल होता है वो लगाने का. हाँ ये यू लगाया. आई एम नॉट वेरी गुड विथ मेकअप, तो मैं दिखा रही हूँ कि आई एम नॉट वेरी गुड विथ मेकअप बट जस्ट शोइंग यू कि मेरा रूटीन क्या होता है, विच इज़ नॉट वेरी फैंटास्टिक बट हाँ ठीक है. अब ये लगाया मस्करा, हल्का सा मस्कारा या मस्करा वॉट एवर दिस कॉल टेक्निक सही है कि नहीं ये भी नहीं मुझे पता है बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्यूटोरियल वीडियो, जस्ट शोइंग वॉट आई डू है. हो गया, अब एक काम करेंगे कि एक लिपस्टिक लगा लेंगे, हैं हल्का सा. ये देखो एक लगाया, बस हो गया अपना मेकअप, इतना ही था, हो लिया.
अब चलते हैं, मास्क लगाते हैं और जाएंगे हॉस्पिटल, अपॉइंटमेंट है। तो जी अब अपना फ़ोन उठा लेते हैं, एक तो हाथ में है, दूसरा ये है, ये आईफोन 11 है मेरे हाथ में, आईफोन 12 है, और ये है अपना बैग। सी हमें ना बैग, अच्छी बैग रखने का बहुत शौक है, सो ये हमारा लुई विटॉन का बैग है एंड दिस इज़ वन ऑफ माय अर्लियर परचेजेस। सो या आई मीन यू नो, हर किसी का शौक होता है कुछ ना कुछ, तो मेरा ये शौक है और ऐसे अच्छे भी होते हैं, स्टर्डी होते हैं। सो दो इट इज़ ऑफ कैनवस विथ लेदर, बट इट इज़ गुड एंड वन ऑफ माई प्राइज पोजेशन, जिसको आजकल मैं रगड़ के यूज़ कर रही हूँ। तो चलते हैं, मास्क पहनते हैं और फिर निकलेंगे फटाफट से। और जी ये निकलने से पहले हमने लगा लिया है मास्क। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, अभी वेट कीजिए, देखिए बाला क्या हो जाता है मास्क लगा के। एनीवेज नो, नेवर माइंड, अभी दिखाती हूँ। ये हम अंदर जा रहे हैं। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, कुछ दिख रहा है? नहीं। और खोल दूँ, ये देखिए मेरे सूटकेस के अंदर मास्क ही मास्क भरा हुआ है, N95 रखे हुए हैं, राइट। ये केयरव्यू का N95 FFP2 प्रोटेक्टिव मास्क है, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरे पास एक्चुअली यही मास्क थे और मैं अभी एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया गई थी ना, तो पूरा भर के लेके गई थी। मुझे लगा कि वहाँ पे मास्क महंगा मिलेगा और मुझे पैसा लगेगा, पर वहाँ पे तो पहनना ही नहीं पड़ा, वहाँ पे तो मास्क पहन ही नहीं रहे थे, तो भाई सारे मास्क बच गए हैं और उसको अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ना। बस देख रहे हैं क्या आँखें मेरी चमक रही हैं, वो काजल, वो लाइनर लगा के और ब्लू वाली लाइन भी नीचे लगाई है और मस्करा, देखा आपने कितना 5 मिनट लगा था करने में सारे कुछ, एंड एंड लुक, इट इज़ लुकिंग गुड। तो अब हम चलते हैं अपने हॉस्पिटल की ओर। और ये देखें, ये मेरा फेवरेट वन, अब डोले मेरे फिर से बनने स्टार्ट हो गए हैं, यू नो वहाँ पे ठीक से एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, अभी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है, बट यू नो स्टिल लॉन्ग वे टू गो। बट यू नो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं टाइम से, तो आपकी मसल की एक मेमोरी होती है और वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है और आप बैक से अपने वही पुराने फॉर्म में पहुंच जाते हैं। तो हम पहुंचेंगे जल्दी, और टाइम टू से बाय बाय टू बड़ी है ना, सबके घर में बच्चे होते हैं, कोई होता है, हमारे घर में तो कोई है नहीं, बच्चा बड़ी बच्चा है, तो ये रहा, ये सो रहा है यहाँ पे, और बड़ी बड़ी ओ बड़ी, तो ये ऐसा है, इसको आप हिलाओ डुलाओ कुछ भी नहीं करता, हमेशा से ऐसे ही सात्विक प्रकार का बच्चा है। लाइक अभी तो 8 साल का हो गया, बट जब छोटा था ना तब भी ऐसा ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था, देखो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अब हाथ छुड़ाया, हाथ बाय बाय बाय। ये है शोभा जी, सफाई करते हुए बोल दो हाय। ठीक है, फिर मिलेंगे, अभी हम शोभा को यूज करेंगे आगे से मेरा वीडियो बनाने के लिए, है ना। चलिए चलते हैं हॉस्पिटल, अब बात चलिए तो दिखा देते हैं। थोड़े से मेरे जूते हैं, मतलब और भी हैं पर ये थोड़े से हैं, घर में एक्चुअली फ्लैट में कमी पड़ जाती है, सो अभी बहुत दिन से मैंने ख़रीदा नहीं है, अभी ऑस्ट्रेलिया गई थी ना, तो चल चल के मैंने 2 जूते रगड़ मारे और वहाँ डिस्कार्ड कर दिया, तो ये रहा जी। और इसके अंदर है बाकी अभी, या ना इसके अंदर जूते हैं और हाँ, और उसके अंदर जूते हैं, सो जूते ही जूते हैं, तो निकलते हैं घर के बाहर। ये हमारे घर की एंट्री है, या हरियाली हरियाली है। इंदर बहादुर जी चलें, नमस्ते नमस्ते। और हमारी मॉडेस्ट एस्केप, कौन सी है ये, कौन सा मॉडल है इंदर बहादुर? SX4, हाँ SX4। हमारी सोसाइटी काफी ग्रीन है, देख रहे हैं ना, और
गुड़गांव की सुबह सुबह की मॉर्निंग रश को झेलते हुए हम ऑलमोस्ट 20-25 मिनट में पहुंच गए फ्रॉम निर्वाणा टू सेक्टर 27. ये रहा नोवा साउथ एंड IVF. जनरेटर चल रहा है. हाँ, ये रहा मेरा कमरा. पर्दा हटा लेते हैं, कितना ये पर्दा की खींचते हैं. इधर से है विंडो, राइट. ये कुर्सी, ये पेशेंट बैठने की कुर्सी, और ये लैपटॉप. ओके, और ये मैं विराजमान हो गई अपनी सीट पे पेशेंट्स देखने के लिए. ठीक है, क्योंकि अभी तो ये नया नहीं है. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ.